गाइज मेरे हाथ में दो यूएसबी केबल है, एक एमआई का है और एक एमरन का है। तो आज हम दोनों की क्वालिटी देखने वाला हूँ। एमआई का मैंने परचेस किया है 300 रुपये में और एमरन का 200 रुपये का मैंने परचेस किया है। दोनों का आउटपुट 3 एम्पीयर का है। तो यहाँ पे एमरन का केबल पहले देख लेते हैं। यहाँ पे एक आपको ग्रिप मिल जाती है साथ में, जिसकी वजह से वायर जो है क्रैक नहीं हो सकता और फास्ट चार्जिंग तो होता ही है। वहीं पर एमआई की बात करेंगे तो एमआई में भी आप देख सकते हो फास्ट चार्जिंग तो होता है, लेकिन यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा ग्रिप नहीं मिलती। केबल ज़्यादातर यहाँ से ही क्रैक हो जाने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। आप लोगों ने देखा होगा ओरिजिनल केबल ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाते, उसकी वजह से यही है कि यहाँ से क्रैक हो जाता है बहुत ही जल्द। उसी की वजह से हमारा जो ओरिजिनल केबल है हमें चेंज करना पड़ता है। और एमरन में देख सकते हो एक्स्ट्रा ग्रिप दिया गया है, दोनों तरफ एक्स्ट्रा ग्रिप है, तो जो संभावना है वो टूटने की वो जीरो हो जाती है। फास्ट चार्जिंग तो आपको एमरन में भी मिल जाएगा और एमआई में भी मिल जाएगा, लेकिन जो सेफ्टी है वो आपको एमरन में ज़्यादा मिलने की संभावना है। और क्वालिटी आप देख सकते हो दोनों की क्वालिटी, एमरन का वायर का जो थिकनेस है वो थोड़ा मोटा है और यहाँ पे एमआई का थोड़ा पतला है। एमआई में ये बात सच है कि नॉर्मली फास्ट चार्जिंग हो जाएगा थोड़ा बहुत एमरन से, लेकिन जो क्वालिटी है वो एमरन की भी अच्छी है, एमआई की भी अच्छी है, लेकिन जो सेफ्टी है वो एमरन की बहुत ही अच्छी है। आपने अगर नया फ़ोन लिया है एमआई का और उसके साथ टाइप सी वाला केबल आया है, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या आपका टाइप सी वाला केबल अभी भी सेफ है कि नहीं, जल्दी से कमेंट कीजिए।